हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज हरीश सर में। इस वीडियो में राजस्थान पीटीआई ग्रेड थर्ड से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है राजस्थान की हस्तशिल्प कलाएं, इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 59 क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम्स के लिए अगर पूछा जाए यहाँ से कोई क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सुपर फास्ट वीडियो है, देखते जाइएगा आप क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी देखिएगा और रिविजन भी करते जाइएगा। बहुत कम समय बचा है, कंटिन्यूटी बना रखिएगा, मेहनत करते जाइएगा। युग्म सुमेलित नहीं, आपको बताना है यहाँ पे। ए ऑप्शन मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ से, ये सुमेलित नहीं है, ए उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। कोटा डोरिया की साड़ियों के लिए कोटा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। सेकंड का कैथून से रिलेटेड, राजस्थान में लोई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में जो लोई है ये कहाँ से रिलेट करती है, कहाँ की प्रसिद्ध है, नापासार से रिलेट करती है। नेक्स्ट है राजस्थान में जेट पद्धति उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फोर्थ ए ऑप्शन जसोल गांव बाड़मेर से रिलेटेड, जिरोही भाकला गंधा किस उद्योग के नाम है, तो ये कौन से उद्योग के नाम है, सी ऑप्शन जेटपट्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गलीचा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है, कौन से जिले का प्रसिद्ध है, जयपुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ, तो बी ऑप्शन पर्सिया से हुआ। नेक्स्ट है जयपुर में ब्लू पॉटरी निर्माण की शुरुआत का श्रेय किसे है, तो एट का ए ऑप्शन है महाराजा राम सिंह द्वितीय को है। नेक्स्ट है राजस्थान में ब्लू पॉटरी का मुख्य केंद्र कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 सी ऑप्शन जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में टांकला गाँव नागौर सालावास जोधपुर लावर दौसा प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्म को सुमेलित कर दीजिएगा तुरंत, हस्तशिल्प उद्योग दिए हैं और उनसे रिलेटेड जिले दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट। खेसले उद्योग किससे रिलेटेड है, सेकंड यानी कि लेटा गांव जालौर से रिलेटेड है, आपका ए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और डी ऑप्शन है। पट्टू बरड़ी सॉल उद्योग किससे रिलेटेड है, ये आपका जैसलमेर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, काली कुसुमल चौफुली फुल्योडीदार बंदावल है क्या है, सी ऑप्शन पोमचा के प्रकार है, ध्यान रखिएगा पोमचा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है समुद्र लहर नाम का लहरिया का प्रसिद्ध है, लहरिया का प्रसिद्ध है 13th जयपुर से रिलेटेड। राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है, तो किससे रहा, प्रतापगढ़ से रिलेटेड। निम्न असंगति उनको चुनना है, यहाँ पे बताइएगा असंगत कौन सा होगा, 15th में लहरिया बीकानेर या असंगत है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी, मानसिंह के द्वारा लाई गई थी। कांच की काशी का कसीदाकारी का कार राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है, 17 जैसलमेर बाड़मेर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है युग्म को सुमेलित करके बताइएगा, यहाँ पे हस्तशिल्प कलाकार दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सांगानेरी प्रिंट मुन्नालाल गोयल से रिलेटेड है, जबकि आपका जो आंसर होगा यहाँ पे कांच की कसीदाकारी रमा देवी से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 19 नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, किस चीज के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। नेक्स्ट है राजस्थान में मृण शिल्प टेराकोटा से संबंधित प्रमुख स्थल नहीं है, 20 नंबर लेटा गांव जालौर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है बेवाड़ कला मिनिएचर वुड टेम्पल कहाँ की प्रसिद्ध है, 21 बी ऑप्शन बस्सी चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड है। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता माने जाते हैं कौन, माने जाते हैं 22 ये माने जाते हैं ए प्रभात जी सुथार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्म को सुमेलित कीजिए, बताइएगा आंसर कि राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, 23 का सी ऑप्शन होगा क्या, यहाँ पे बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कलाकार कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है, तो इनका संबंध कौन सी कला से, मीनाकारी से है। नेक्स्ट है चंदन की काष्ठ कला से संबंधित नहीं है, तो कौन इससे रिलेटेड है, 25 डी ऑप्शन प्रभात जी हो जाएंगे। भरत सूफ हुरमजी आरी किससे रिलेटेड है, 26 कढ़ाई व पेचवर्क से रिलेटेड है। निम्न में असंगत युग्म को बताना है आपको, 27 रंगाई उद्योग बंधाना से रिलेटेड है। नेक्स्ट है टेराकोटा कला से संबंधित नहीं है, टेराकोटा से कौन रिलेटेड नहीं है, 28 नंबर बस्सी जयपुर रिलेटेड नहीं है। बांसवाड़ा जिले का चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर जिले का बोडीगामा गांव प्रसिद्ध है। 29 नंबर तीर कमान से रिलेटेड है। नेक्स्ट सुमेलित करके बताइएगा हस्तशिल्प कलाकार, क्वेश्चन नंबर 30 तो ये मैच हो जाएगा, उस्ताद कला आपका हिसामुद्दीन से रिलेटेड है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका सुनहरी नक्काशी जो होगा ये रिलेट कर जाएगा आपका लाल सिंह से, आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे बी, ध्यान रखिएगा बी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वुड सीजनिंग
प्लांट स्थापित किया गया, ये कहाँ पर स्थापित किया गया, 31st सी ऑप्शन जोधपुर में स्थापित किया गया। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है वह कौन सा है, 32 मुलैला है। नेक्स्ट है युग्म को सुमेलित कर दीजिएगा, हस्तशिल्प और जिले दिए हुए हैं 33 में। मुनब्बती किला किससे रिलेटेड है, ये बीकानेर से रिलेटेड है। मुकेश कुंदन कला ये किससे रिलेटेड है, आपका जयपुर से रिलेटेड है। जबकि आपका बातिक कला जो है सीकर से रिलेट करता, एक जो बच रहा है वो आपका प्रतापगढ़ से रिलेट कर जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध अखरज प्रिंट निम्न में से किस स्थान से रिलेटेड है, सी ऑप्शन बाड़मेर से रिलेटेड। बाड़मेर में प्रसिद्ध मलिर प्रिंट में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, 35 नंबर कत्थई काला। नेक्स्ट निम्न में असंगत युग्म कौन सा, 36 नंबर में असंगत हो जाएगा ब्लू पॉटरी जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन है, असत्य कथन जल्दी से बताइएगा, 37 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा इसका असत्य कथन। नेक्स्ट है, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो प्रसिद्ध स्थान की अगर बात की जाए 38 नंबर इसका तो ए ऑप्शन टांकला सालावास हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि दौसा भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, असंगत युग्म इसमें से बताइएगा, जाजम प्रिंट अलवर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं, बादला कहाँ बनाए जाते हैं, जोधपुर में बनाए जाते हैं। राजस्थान में पोमचा कहते हैं, किसको कहा जाता है, उस दिन भी आपको क्वेश्चन मिला था 3 दिन पहले, तो ये महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, जोड़ा सुमेलित है इसमें, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सुमेलित है, मसूरिया साड़ी कोटा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामड़ी क्या था, तो मारवाड़ में जो दामड़ी थी ये ए ऑप्शन ओढ़नी का एक प्रकार। राजस्थान में लेटा मांगरोल व सालावास जाने जाते हैं, किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी यह सब क्या है, यह सब किससे रिलेटेड, सी ऑप्शन गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है, 46 सी ऑप्शन सांगानेर से रिलेटेड है। राजस्थान में हस्तशिल्प कागज से संबंधित कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त कागज संस्थान स्थित है, 47 सांगानेर में स्थित है। छातों के लिए प्रसिद्ध, छातों के लिए क्या प्रसिद्ध है, 48 डी ऑप्शन फालना प्रसिद्ध है। तंग मोरखा मुगोरबंद पिलाड़ है क्या है, 49 ये सी से रिलेटेड, ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के डूंगर सिंह भाटी होता था उनके भाई ईश्वरी सिंह भाटी विख्यात हैं, तो 50 ऊंट श्रृंगार के सामान के लिए तोड़िया ऊंट के बच्चे के मुलायम के बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया था वह कला कहलाता है, वो क्या कहलाता है, 51 बाखला कहलाता है। नेक्स्ट है, श्री हिमामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में अलंकृत किया गया था, 52 नंबर ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी के लिए। राजस्थान की कौन सी शिल्पकला को भौगोलिक सूचीकरण में शामिल नहीं किया गया, 53 मुनब्बती कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए फैशन संबंधित है, विकास के लिए फैशन संबंधित खादी एवं कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाना। राजस्थान में रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है, तो ये 55 नंबर किससे रिलेटेड है, 55 नंबर गलिया कोट से रिलेटेड। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में जिनका सूचीकरण किया है वे हैं 56 वे हैं ब्लू पॉटरी जयपुर एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 57 हैंडलूम मार्क प्रामाणिकता बतलाता है, किस चीज़ को बतलाता है, ए ऑप्शन हैंडलूम कपड़ों की प्रामाणिकता को बतलाता है। गलत युग्म को पहचानिएगा, 58 जाजम की छपाई उदयपुर यानी गलत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर आपका बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ये डी ऑप्शन जयपुर। ये थे आज के कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड 59 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आता तुरंत लाइक करिएगा, और इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं।